हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार, लाभ और चुनौतियों का उल्लेख करें। विकेंद्रीकरण से रिलेटेड किसी भी तरीका से क्वेश्चन दे देता है, चाहे तो दे दे विकेंद्रीकरण के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, लाभ व चुनौतियों का वर्णन करें। तो आपको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिया है, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों, सभी में बंटवारा करना, ठीक है। सभी में क्या करना? बंटवारा करना। मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल है, तो सारा अधिकार किसके पास होता है? स्कूल के प्रिंसिपल के पास होता है। कल स्कूल बंद करना या नहीं करना है, प्रिंसिपल ही बताएंगे। क्या फीस में आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, फीस अगर 200 रुपया है तो फी को 300 करना या नहीं करना, वो प्रिंसिपल ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन वही जो प्रिंसिपल के पास अधिकार है, वही अधिकार अगर सभी शिक्षकों में दे दें, कि सभी शिक्षक को ये अधिकार दिया जाता है कि जितना प्रिंसिपल के पास अधिकार है, उतना ही अधिकार शिक्षक के पास है। जो प्रिंसिपल निर्णय ले सकते हैं, वह शिक्षक भी निर्णय ले सकते हैं, तो स्कूल और विकास करेगा। क्यों? क्योंकि सभी शिक्षक स्कूल को अपना मान करके कार्य करेंगे, वो खुद को मानेंगे कि मैं प्रिंसिपल हूँ, सारे लोगों का कर्तव्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, कि आने के अधिकारों का सभी में बंटवारा होना, ठीक है। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का मालिक के पास जितना अधिकार है, वो सभी अधिकार अगर सभी कर्मचारियों में बांट दिया जाए तो काम भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और क्या होगा? अधिकारों का बंटवारा सभी में हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अब देखिए आंसर को, क्वेश्चन क्या है? विकेंद्रीकरण के प्रकार, लाभ व चुनौतियों का उल्लेख करें, ठीक है। हमारा सबसे पहले विकेंद्रीकरण का अर्थ, जब सभी को समान रूप से अधिकार, कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, ठीक है। जब सभी व्यक्तियों को क्या होता है? समान रूप से अधिकार दिया जाता है, समान रूप से कार्य करने की शक्तियां प्रदान की जाती है, जिम्मेदारियां दी जाती है, तो संगठन को कई लाभ होता है। तो वो जो संगठन होता है ना, वहाँ उसको लाभ भी पहुँचता है। जैसे भी स्कूल के एग्जाम्पल दिए, तो स्कूल को लाभ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। थोड़ा सा और इसको लंबा करके देख लीजिए, ठीक है। किसी संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकार और जिम्मेदारियां का वितरण, मतलब कोई भी संगठन है उसके विभिन्न स्तरों, मतलब अलग अलग स्तरों के बीच में अधिकार प्रदान कर देना, जिम्मेदारियां दे देना, ठीक है, बजाय इसके कि वे सभी शीर्ष पर एकत्रित हो, ठीक है। मतलब वो देखो, शीर्ष का मतलब तो उसका मैन व्यक्ति, ठीक है। तो मैन पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। मैन के अलावा दूसरे को जिम्मेदारियां सौंप देना, दूसरे को अधिकार प्रदान कर देना, ठीक है। शीर्ष के अलावा दूसरे, शीर्ष का मतलब था मैन व्यक्ति के अलावा अगर हम दूसरे को सौंप दे रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि निर्णय लेने का अधिकार अब केवल शीर्ष प्रबंधन के पास केंद्रित नहीं है। मतलब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का निर्णय लेने का जो अधिकार है ना, केवल शीर्ष के पास नहीं है, शीर्ष मतलब मैन व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि माध्यम और निचले स्तर के प्रबंधकों के साथ भी साझा किया जाता है, ठीक है। यानी जो मंझले प्रकार के लोग, यानी माध्यम में जो लोग होते हैं, तो फिर निचले प्रकार के जो लोग आते हैं, यानी कि सबसे ऊपर लेवल से जो नीचे लोग आते हैं ना, उसमें भी अधिकारों को प्रदान करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार, कि विकेंद्रीकरण का प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो पहला इसका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पहला क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियों को वितरित करना है। मतलब इनके अंतर्गत क्या होता है? नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियों को प्रदान करती है, ठीक है। कि इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा ना, वो लोग निर्णय लेंगे, ठीक है। लोग निर्णय लेकर के आपको बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। यानी कि अधिकारों किसको प्रदान कर देना? लोगों के बीच अधिकार प्रदान कर देना, जैसे ही लोग बोलेंगे वैसा ही करना। जैसे फॉर एग्जांपल, यह देश के अगर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मेट्रो लाइन की आवश्यकता है या नहीं, या देश के नागरिक द्वारा लिया जाने वाला निर्णय हो सकता है। जैसे मेट्रो लाइन जो है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये किससे आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे? जनता से, ठीक है। तो जनता को अधिकार देंगे बोलने का तभी ना। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग अधिकार किसको देते हैं? नागरिकों को अधिकार देते हैं, ठीक है। नागरिकों में सभी में अधिकारों को बांट देते हैं, और नागरिक हमें जैसा बताते हैं वैसा फिर हम लोग करते हैं। वो आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें ये सत्ता किसमें, ये अधिकार जो होता है वो किसमें बांट दिया जाता है? लोगों में बांट दिया जाता है। ये अधिकार किसमें बांट दिया जाता है? लोगों के अंदर बांट दिया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, अब ये देखिए प्रशासनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रशासनिक का मतलब होता है कोई भी संस्था से संबंधित प्रबंधन। यानी कि मान लो कि स्कूल एक संस्था है,
ठीक है, कोई कंपनी एक संस्था है, तो उसको प्रबंधन करने के लिए जो संबंधित उससे जो नियम कानून होती है ना, उसी से संबंधित जो चीज़ें होती है उसी को हम लोग प्रशासन बोलते हैं, ठीक है, प्रशासनिक। आने उस चीज़ को देखभाल करना, उसको प्रबंधन करना, उसको चलाना, ठीक है, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ये क्या है? तो देखिए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य किसी भी संगठन, कोई भी संगठन हो सकता है, स्कूल, कंपनी, कोई भी संगठन के भीतर पदानुक्रम, यानी कि उस संगठन, उस कंपनी या वो कोई भी स्कूल, कोई भी एक संस्था मान लो, ठीक है, उसके जो भीतर पदानुक्रम के सभी स्तरों के बीच जो अधिकारी लोग हैं, यानी कि उसके पदानुक्रम मतलब जो उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, कोई ऊंचे पद पर रहता है, कोई उससे नीचे पद पर रहता है, जैसा स्कूल में ही मान लो कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस प्रिंसिपल, कोई उससे भी नीचे, ठीक है, तो सभी स्तरों के बीच अधिकारियों शक्तियों का पुनर्वितरण करना, मतलब क्या, सभी लोगों में अधिकारों का बंटवारा कर देना, ठीक है, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, तो उसमें जितने सारे लोग हैं उस सभी में अधिकारों का क्या कर देना, पूर्ण वितरण कर देना, ठीक है। तो जब हम शक्तियों का क्या कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। यह संगठन के सदस्यों को आत्मविश्वास प्रदान करता है, और ये जो संगठन होती है ना, उसमें जो व्यक्ति लोग होते हैं ना, उसमें आत्मविश्वास प्रदान होता है, ठीक है, उन लोगों को खुद पर विश्वास होता है, और पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और अधिक गतिशील बनाता है, और वहाँ पे विकास होने लगता है। अगर कंपनी की बात है तो कंपनी विकास करने लगती है, अगर ये स्कूल की बात है तो स्कूल विकास करने लगती है, ठीक है। तो इसमें शक्तियों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, ठीक है, यानी कि बांट दिया जाता है सभी में। बात करते हैं तीसरा पॉइंट का दोस्तों, तो तीसरा है राजकोषीय विकेंद्रीकरण, राजकोषीय विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो यह किसी भी संगठन के निचले स्तरों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण होता है। देखिए, ये मान लो कि कोई भी एक संगठन है, उसके निचले स्तर मतलब उसमें जितने सारे निचले स्तर तक के लोग होते हैं ना, वो सभी के बीच वित्तीय जिम्मेदारियाँ हस्तांतरित होता है। वित्तीय जिम्मेदारियाँ का मतलब होता है दोस्तों धन से संबंधित, धन वगैरह जो होता है ना, धन का बंटवारा करना, ये सब चीज़ से जो संबंधित होता है उसी को बोलते हैं वित्तीय, ठीक है। तो वित्तीय जिम्मेदारियां सौंपा जाता है, ठीक है, संगठन के जो सबसे निचले स्तर पर लोग होते हैं ना, उसको भी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है राजकोषीय विकेंद्रीकरण। अब देखते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ, ठीक है। तो पहला, सुचारू संचार की सुविधा देता है, ठीक है, सुचारू मतलब अच्छे रूप से संचार की सुविधा, संचार मतलब एक जगह से दूसरे जगह। अब देखिए क्या होगा, सो मान लो कि जो अभी मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल का जितना अधिकार है वो सभी शिक्षकों को दे दिया जाएगा, तो क्या शिक्षक कभी आएंगे प्रिंसिपल के पास पूछने के लिए कि क्या करना नहीं करना? नहीं आएंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच जो दूरी था वो कम हो गया ना, वहाँ से वो आते यहाँ तक पूछने के लिए तो दूरी अधिक था, लेकिन दूरी अब क्या हो गया, कम हो गया। तो विकेंद्रीकरण से क्या होता है पता है, संचार की सुविधा बढ़ता है, संचार मतलब दूरियाँ, संचार मतलब दूरी होता है, ठीक है, तो दूरी की सुविधा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विकेंद्रीकरण का महत्व संगठन में संचार अंतराल जो अधिक होती है ना उससे कम करती है, मतलब जो अधिक दूरी होती है उससे कम करती है। इसका मतलब यह है कि सभी स्तरों पर कर्मचारियां आसानी से एक दूसरे से जानकारी दे सकते हैं, एक दूसरे से जानकारी लेते हैं, देते हैं, और विभिन्न निर्णयों के बारे में संवाद करते हैं, संवाद मतलब बातचीत भी करते हैं खुद में, प्रिंसिपल के पास भी कोई जाने की जरूरत था क्या? नहीं, हर शिक्षक अपने में ही बात कर लेंगे, है ना। विकेंद्रीकरण संचार की पूरी प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाता है, मतलब उसको विकास की ओर ले जाता है। ये आपका पहला समझ में आ गया। दूसरा है विस्तार को बढ़ावा देना। विकेंद्रीकरण क्या करता है, विस्तार को बढ़ावा देता है, ठीक है। चूंकि विकेंद्रीकरण संगठन के प्रत्येक सदस्यों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान, मतलब सभी लोगों को शक्तियां प्रदान होती है इसमें, इसलिए वे समग्र रूप से इसके विकास के लिए खुद जिम्मेदार महसूस करते हैं, खुद उनको प्राउड फील होता है, और इसका मतलब क्या, उन लोग खुद से कार्य करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ प्राप्त है, हम भी इसका मालिक हैं, ठीक है, ऐसा उन लोगों को महसूस होता है, और वो लोग पूरा सामूहिक रूप से जितने भी संगठन का लोग होते हैं वो सभी क्या करते हैं, विस्तार करने का प्रयास करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तीसरा है आत्मविश्वास बढ़ाता है। देखिए, लोगों को जब अधिकार प्रदान कर दिया जाता है ना, सभी लोगों में अधिकार दे दिया जाता है ना, शक्ति दे दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दिया जाता है, तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के साथ संगठन में प्रत्येक सदस्य खुद के साथ साथ पूरे संगठन के लिए भी जिम्मेदार बन जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो व्यक्ति जो उसमें शामिल होते हैं ना, वो पूरा संगठन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार रहते हैं कि हमें ये काम करना है। इससे प्रत्येक सदस्य की निर्णय लेने की क्षमता में आत्मविश्वास बढ़ता है, उन लोग खुद से एक निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, या संगठन में काम करने के लिए उनका मनोबल भी ऊंचा रखता है, और उसमें लोग क्या करते हैं, कार्य भी अच्छे रूप से कर पाते हैं, क्योंकि जब खुद उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना, तो उन लोग काम करने में थोड़ा मनोबल ऊंचा उठ जाता है उस सबका, ठीक है। नेक्स्ट है बेहतर नियंत्रण। बेहतर नियंत्रण भी होता है, नियंत्रण मतलब देखभाल। जब सरकार या किसी भी संगठन के हर विभाग के पास प्रशासनिक शक्तियाँ होती है, मतलब जब सभी लोगों के पास शक्तियाँ होती है ना, तो वे अपने
काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बहुत ही आसानी से नियंत्रित करती है, मतलब उसको देखभाल करती है। और अगर मान लो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है तो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, जैसे तैसे होगा, है ना, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण के नुकसान, या तो इसको चुनौतियाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि विकेंद्रीकरण के अपने कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है तो नुकसान भी है, विकेंद्रीकरण के नुकसान इस समय और भी ज़्यादा है। और अभी के समय में देखा गया कि जो विकेंद्रीकरण है इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यह अवधारणा अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, मतलब इनका विकास नहीं हुआ पूरा। इस शुरुआती चरण में अगर इसका विकास हो जाएगा तब विकेंद्रीकरण का कोई नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन अभी इसका नुकसान है, जिसके कई पहलू हैं, ठीक है। ज़्यादा विचार और सुधार की ज़रूरत है, इसमें अभी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है, तभी इसका हानि नहीं होगा, नहीं तो अभी भी इसका चुनौतियाँ हैं। पहला है बाहरी कारक। अभी बाहरी कारक क्या है, मान लो कि स्कूल के सभी टीचर लोगों को अभी अधिकार दे दिया गया है कि आप लोग भी अधिकार का कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मान लो उस सभी के ऊपर एक बाहरी से कोई चीज़ का प्रभाव पड़ेगा तो सब उलझ जाएंगे, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का एक मुख्य नुकसान है किसी इकाई में प्रशासनिक मामलों पर बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ जाना। जब कोई बाहर से प्रभाव पड़ जाता है ना तो कंडीशन खराब हो जाता है। सरकार या अन्य संगठनों के साथ संघर्ष किसी संगठन में सदस्यों की राय में बदलाव ला सकता है, इसके परिणामस्वरूप बड़े संघर्ष हो सकते हैं जो पूरे संगठन के लिए विनाशकारी होंगे। मान लो कि स्कूल के टीचर ही हम ले लेते हैं, सभी में अधिकारियों का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। अब कोई बाहरी तरफ से कोई निर्णय या कोई भी चुनौती आ गया तो उसमें सभी शिक्षक अलग अलग निर्णय देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में सारे क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो बाहरी कारक की वजह से क्या होता है पता है, विकेंद्रीकरण में नुकसान आती है, ठीक है। दूसरा है समन्वय की कमी। समन्वय मतलब होता है कि मान लो कि सभी में अधिकारों दे दिया गया कि आप सब निर्णय ले सकते हैं, सारे लोग कार्य कर सकते हैं, सभी के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो बोलेगा कुछ, ये बोलेगा कुछ, वो बोलेगा कुछ, मतलब तीनों चारों लोगों में जितने लोग हैं उसमें समन्वय नहीं हो पाएगा, मतलब सभी का बात मैच नहीं कर पाएगा, तो भी दिक्कत है, है ना। तो विकेंद्रीकरण का एक और नुकसान है संगठन के सदस्यों के बीच समन्वय की संभाव्यता कम हो जाना, यानी उन लोगों के बीच में समन्वय होगा ही नहीं, दोस्ती हो ही नहीं पाएगा, एक बात मैच ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए सभी विभागों, जितने सारे विभाग हैं उन सभी में और उनके सभी जितने सारे सदस्य हैं, एक दूसरे के प्रति आपसी समझ और समान होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो ये भी एक चुनौती है। निर्णय लेने में देरी, अगर वो निर्णय लेने में देरी हो जाती है तभी दिक्कत है। कभी कभी निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। निर्णय लेने का अधिकार विभिन्न व्यक्तियों को समूह में फैसला होने के कारण कभी कभी देर हो जाती है। देखो, निर्णय लेने की जो अधिकार है वो सभी में दे दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में देखा गया कि कभी कभी देर हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी देर हो जाती है तो ये नुकसान पहुँचाएगा। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का महत्व। आपको महत्व क्वेश्चन में नहीं बोला गया लेकिन फिर भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण का महत्व, इसका महत्व क्या है, तीव्र निर्णय लेना, यानी कि तेजी से इसमें निर्णय लिया जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आप बोले कि निर्णय लेने में देरी हो रहा है, यहाँ बोल रहे कि तेजी से निर्णय लिया जाता है, तो जब हमें नुकसान में बात करना होता है तो नुकसान की जैसा बात करना है, ठीक है, और जब फायदे की बात है तो फायदे की जैसा बात करना है। अब मान लो कि तीव्र निर्णय कैसे लिया जाता है, यानी कि तेजी से निर्णय कैसे लिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल को पूछना नहीं पड़ता, मैन व्यक्ति को जाकर पूछना नहीं पड़ता, सभी को अधिकार प्राप्त है तो उन लोग फट से निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रशासनिक विकास। इसमें प्रशासनिक का विकास होता है। प्रशासनिक मतलब जो भी कोई संस्था है, कोई समूह है, उसका देखभाल करने में, ठीक है, तो उसका क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है कार्यकारी कौशल का विकास करना, ठीक है, जो कार्यकारी कौशल होता है इसका विकास होता है, काम में बढ़ोतरी होता है। चौथा विकास को बढ़ावा देना, और विकास भी बढ़ता है, विकास होता है, और उच्च नियंत्रण होता है। उच्च नियंत्रण क्या होता है, क्योंकि उसमें जितने सारे विभाग के लोग शामिल हैं वो सभी लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, तो सभी लोग आत्मविश्वास बढ़ जाता है सभी लोगों का, खुद ऊपर जिम्मेदारियां लेकर के वो लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं, इससे उच्च नियंत्रण होता है, मतलब उस चीज़ को देखभाल बढ़िया तरीके से होता है, उनका विकास अच्छे रूप से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।